आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल है? फिट हैं? एनर्जेटिक हैं? अरे क्या बात है आपकी। अच्छा, लेकिन जिस बात के बारे में आप सोच रहे हैं ना, वो कोई इतनी अच्छी बात है नहीं जिसको आप समझ रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब मैं जरा इसकी तशरीह फरमाता हूँ। तशरीह ये है जनाब कि आप ये सोच रहे हैं कि हाँ, मेरी एक आदत थोड़ी सी ख़राब है। लोगों को अमूमन इस पर एतराज़ होता है कि मैं एकदम गुस्से में आ जाता हूँ और मेरा गुस्सा जो है वो ऐसे स्काई रॉकेट कर जाता है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि चचा मुदस्सर जो है ना, उनका गुस्सा उतर भी फौरन जाता है। वो 5 मिनट बाद उसी के साथ बैठ के मज़े से खाना भी खा रहे होंगे और हाथ पे हाथ मार के हंस भी रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है। इसको कहते हैं किसी शख्स के मूड स्विंग्स होना, कि एकदम से स्विंग करके। स्विंग क्या होता है? ऐसे झूला जिसमें आप बैठ के पींग, जिसमें आप बैठ के झूला लेते हैं। वो कभी तो एक जानब जाती, कभी दूसरे जानब जाती, कभी एक एक्सट्रीम, कभी दूसरी एक्सट्रीम। अब चचा मुदस्सर एक लम्हे में तोला, एक में माशा, एक में गुस्सा, एक में मोहब्बत। अब ये चचा मुदस्सर की आदत अच्छी है या नहीं है, इस पे जरा बात हो जाए। चचा मुदस्सर ये कहते हैं कि मेरी आदत बहुत अच्छी है, इसलिए कि देखो, मैं गुस्से को अपने साथ बांध के नहीं रखता, मैं दिल में कीना नहीं रखता। जो आया उसी वक्त बमबारी की और फर्क, और उसके अगले ही लम्हे वो दिल में नहीं रही चीज और हम आगे निकल गए। लेकिन चचा मुदस्सर के जो भांजे भतीजे हैं, उनका ख्याल कुछ और है। वो कह रहे हैं चचा मुदस्सर उस एक लम्हे में जो तबाही मचा देते हैं गुस्से में, वो तबाही जो है उसको कौन हैंडल करे। सो आज मेरा जाती ख्याल ये है, आप इससे डिसएग्री और एग्री कर भी सकते हैं, कि चचा मुदस्सर को भी चाहिए कि पींग को थोड़ा सा हौला रखे, पींग बहुत उस तरफ ना जाए, इस तरफ ना जाए। और बच्चों को भी ये ख्याल करना चाहिए कि चलो, चचा मुदस्सर की आदत है जब वो गुस्से में आए हो ना, फौरन नोट करें कि अभी अगले ही लम्हे जब ये पिंग दूसरी जानिब जाएगी तो जैसा मुदस्सर कितने प्यारे लग रहे होंगे उस वक्त, और हम उनका मजाक भी उड़ाएंगे, उनके साथ छेड़खानी भी करेंगे कि चचा, आज सुबह तो आपको बहुत गुस्सा आया हुआ था, ये सुपहर में क्या हो गया। सो ये इंसान के जो मूड स्विंग्स हैं, ये नेचुरल इनबिल्ट चीज़ होती है। आपके अंदर से आपके ब्रेन सेल्स एंगर के हारमोन्स भी जनरेट करता है, हैप्पीनेस के हारमोन्स भी जनरेट करता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपकी मुख्तलिफ दूसरी आदात आपकी बॉडी के अंदर, आपकी जीन्स के अंदर होती है, बिल्कुल इसी तरह से गुस्से में आना और गुस्से से वापस जाना भी कई बार आपके बस में नहीं होता। लेकिन आज की थेरेपी ये है कि आज हमने थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अपने आप को कहना है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मेरे जैसा हो तो 1 तक पहुंचते पहुंचते सो ही चुका हो, लेकिन विच इज गुड कि आपको इतना कंट्रोल है अपने माइंड के ऊपर कि आप अपने गुस्से को या अपने उन मूड स्विंग्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये मूड स्विंग्स सिर्फ गुस्से या हैप्पीनेस के नहीं होते, ये नाराज़गी के भी होते हैं और डिप्रेशन के भी होते हैं। सो कोशिश ये करनी है कि हर चीज़ को बैलेंस में रखें। पींग को एक जानब या दूसरी जानब हमने बहुत ऊंचा जाने नहीं देना। आज कुछ इसी तरह की हमें टिप्स मूड स्विंग्स के हवाले से तो नहीं, लेकिन ईटिंग स्विंग्स के हवाले से डॉक्टर नौशीन देने जा रही हैं कि कैसे अपने पोर्शन को, पिछले आपको याद होगा बुध को उन्होंने हमें वो स्मॉल बॉक्सेस ला के बताए थे कि आप अपने पोर्शन को कंट्रोल कैसे छोटे छोटी डिब्बियों में खाने को डाल के कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट था और बहुत आप लोगों ने पसंद किया। आज वो एक स्टेप हमें और प्रोफेशनल बनाने लगी है। वो कह रही है डब्बियों की जरूरत नहीं है, एक प्लेट को मैं आपको खेल के दिखाऊंगी कि एक प्लेट को आप अपने बैलेंस्ड पोर्शन में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। उसके अलावा आज हमारी बहुत प्यारी सी क्लास फेलो कुछ हमें ड्राइंग श्रॉइंग कुछ जरा आर्ट वर्क की तरफ लेके जाएंगी, उनसे भी बात होगी। एंड ऑफकोर्स आपके हमारे जनाब फेवरेट नौमान मसूद, जिनको एक्टिंग के जौहर दिखाते हुए हम टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं और उनके ड्रामों को बड़ा फॉलो करते हैं, तो नौमी भाई आज हमारे साथ होंगे, उनसे गपशप लगेगी। और पाकिस्तान टेलीविजन का वो बहुत ही मशहूर ड्रामा बंधन, जिसमें नादिया खान के साथ उन्होंने यादगार किरदार अदा किया, और वहीं से नादिया खान भी और नौमान मसूद भी और फरा, ये सब लोग हिट हुए, सुपर हिट हुए उस एक
پی ٹی وی اسلام آباد کے ڈرامے نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہاں سے کہاں, میں کہوں گا کہاں سے کہاں. یعنی آلریڈی دے ور اسٹیبلشڈ آرٹسٹ, لیکن بندھن جو ہے وہ نعمان کے کریئر کا ایک بہت بڑا مائل اسٹون تھا. آج اس حوالے سے ہی بات ہوگی. اس وقت ماشاء اللہ ہر اسکرین پہ ہمیں جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اینڈ آف کورس ہمارے جو جگمگاتے ہوئے ستارے ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں. ٹرینر تہمینہ, ٹرینر کاشف, گڈ مارننگ. کیا حال ہے کاشف, تم فلموں میں کب جا رہے ہو جلدی سے بتا دو. میں بہت جلد آپ کو اندر انسائیڈ سٹوری بتا دیں. جی کاشف کو کل ایک فلم آفر ہوئی ہے اور ہم سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ یس 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 فوراً یس کر دو, لیکن کاشف کہہ رہے ہیں میں ابھی سوچ رہا ہوں. میں بھی سوچ رہا ہوں, اچھا سکرپٹ ہونا چاہیے, اچھا سکرپٹ ہونا چاہیے, میں کردار میرے مطابق ہوگا تو میں اس کو کام کروں گا. یہ جو کام تم کر رہے ہو اس کے مطابق تو کوئی کردار نہیں ہو سکتا, اتنی اتنی مشکل فلم کوئی نہیں بنائے گا. تو خیر آج کا بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو. ہاں جی, آج کا جو ہمارا ورک آؤٹ ہے اس کو آغاز کرنے سے پہلے, اس کا آغاز کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو توصیق بھائی نے بات بتائی ہے نا اینگر بیلنس کرنے کی, اس میں جو ورزش ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے متوازن رکھنے کے لیے, پینڈولم یہاں یا وہاں جانے کے لیے, کیونکہ آپ کے جو ہارمون ہیں کارٹیسول جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریس ہارمون, وہ ریلیز ہونے سے اسٹریس کو کم کرتا ہے اور آپ خوش خوش محسوس کرتے ہیں. خاص اس کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ ایکسرسائز کریں, ورزش کریں, ورزش کریں, میڈیٹیشن کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں, جیسے کہ یوگا ایک فارم ہے, یوگا کی پرٹیکولر ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو اسٹریس ریلیف کے لیے ہوتی ہیں, یا پھر جو لوگ آلریڈی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ہم تو ویسے ایک نارمل روٹین میں تو ہر بندہ ڈپریسو ہے, لیکن جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ وہ کلاسز ارینج کی جاتی ہیں جو کہ اچھے اچھے کنسلٹنٹس, اور ذرا تھوڑا ایکسپینسو ہو جاتا ہے. نہیں ہے کہ ڈمبل کے ساتھ ورزش, آپ کو ایکٹیویٹی, آپ کو باہر لے جاتے ہیں, انوائرمنٹ دکھاتے ہیں, بالکل آج کا جو ورک آؤٹ ہے ٹھیک ہے وہ ڈمبلس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. اچھا, اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک چیز میں صرف کلیئر کر دوں کہ جتنی بھی ایکسرسائزز ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف ویٹ لوز ہی کرنا ہے. یہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے ویٹ گین کرنا ہے. ہمارا مقصد آپ کو فٹ کرنا ہے. جی بالکل, یہ جنرل فٹنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے, ویٹ گین کے لیے بھی ہو سکتا ہے, ریپیٹیشنز آپ یو کین پلے ود اٹ, ٹھیک ہے؟ تو پلیز یہ مت سوچیے گا کہ ہم ہر ایکسرسائز صرف ویٹ لوز. ویسے بھی ہم ہر ورزش کے دوران گاہے گاہے بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کی کیا کیا گول ہو سکتا ہے. اچھا, ہم محنت سے, کیونکہ یہ اب سٹار بننے جا رہے ہیں تو پہلی محنت انہیں سے کرواتے ہیں, تو مشقت کا آغاز ہم کرتے ہیں کاشف سے. اسکواٹ, اسکواٹ اپ رائٹ, اپ تھوڑا سا, اوکے, ٹو اینڈ اپ رائٹ, ٹو جمپس. تمینا جی جی, اچھا یہ تھوڑا رسکی ہے اگر آپ پوزیشن کاشف کی دیکھیں گے بھی, کہ جب آپ اپ رائٹ رو جاتے ہیں اسپیشلی جمپ میں, ٹھیک ہے, تو اٹس ویری کریٹیکل, کیونکہ خدا نہ خاصہ آپ جب اوپر جا رہے ہیں تو آپ چن کو تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے, آپ نے احتیاط کرنا ہے کہ ایک ہاتھ میں ڈمبل ہے, میں ایک منٹ دکھا بھی دیتی ہوں کہ جیسے آپ یہ پوزیشن ہے, لائک اسٹینڈنگ پوزیشن ہے کاشف, ٹھیک ہے, ڈمبل آپ نے ہاتھ میں پکڑا, اب کیونکہ کاشف کے پاس ہیوی ویٹ ہے جی, تھوڑا سا مشکل ہوگا, تو آپ یہ ہینڈ اس طرح رکھ لیں یا جیسے بھی آپ کو کمفرٹیبل ہے, یو گو ہیئر, اور سنیچنگ میں یوں بھی کر سکتے ہیں. یہ تھوڑی سی آپ کی پوزیشن ہے کہ لائک یو برنگنگ یور آرمز, ڈیپینڈنگ کتنا ویٹ آپ نے اٹھا, کتنا ویٹ اٹھا رکھا ہے, اور آپ کی فارم, آپ نے, میں جو بتا رہا ہوں تھوڑا سا سلو بتا رہا ہوں, اور یہ کافی فاسٹ پیس تھی, اور یہ فاسٹ پیس ہی کرنی ہے, فاسٹ پیس کرنا. اچھا کاشف, لائٹ ویٹ کے ساتھ اگلی ایکسرسائز کر لیں, شروع کریں لنچ کے ساتھ. کاشف, چونکہ آپ کے پاس ویٹ زیادہ ہے تو میں کوشش کروں گا, ہاں ایک ہی ویٹ, ایک ویٹ کے ساتھ چلے. اچھا, کیونکہ 16 کلو ہو گیا ہے تو وہ رسکی ہے. آج تمینا میرا ساتھ دے رہی ہیں. نہیں, میں بالکل دوں گی, میں ہمیشہ ہی دیتی ہوں. اچھا کاشف, فارورڈ لنج کرنا ہے, اور میرے پاس چونکہ ویٹ کم ہے تو آپ الٹرنیٹ لنجز کریں گے, سنگل آرم بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ ڈمبل کو یوں بھی رکھ سکتے ہیں. جی, اور اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے کاشف کو کیوں کہا, کیونکہ ہمیشہ میں کاشف کو جو ہے نا مطلب امتحان دیتی ہوں, تو پہلی ایکسرسائز میں آپ نے امتحان لے لیا میرا, لیکن آج آئی ڈونٹ وانٹ کہ خدا نہ خاصہ انجری بھی ہو سکتی ہے. دوسری ایکسرسائز میں ساتھ ہی مائنڈ چینج کر لیا تھا مینا نے, اچھا کتنے ریپس کرنے ہیں؟ 12 ریپیٹیشن ایک سائڈ پہ, 12 ریپیٹیشن ایک سائڈ پہ. اچھا, یہ فار کنٹرول فارم میں جی, کوئی جلدی نہیں کرنی, اور اگر آپ جیسے کاشف کر رہے تھے کہ ایک ڈمبل کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے پھر کتنے ریپس کرنے, تبھی اتنے ریپس ہیں, کیونکہ آپ لیگز الٹرنیٹ کر رہے ہیں. آرمز کا ایشو نہیں, کیونکہ ان کے پاس 8 کلو ہو گیا, میرے پاس بھی سمجھو اتنا ہی ہو گیا, کیونکہ 2-2 کلو کے ڈمبلز ہیں. اچھا جی, پاؤں جوڑنے ہم نے, ملٹیپل یعنی کمپاؤنڈ موومنٹ ہے, تو پہلے آپ آئیں گے بینڈ اوور رو, اس کے بعد سٹریٹ اپ, اپ رائٹ رو, اپ رائٹ رو, ٹھیک ہے, ڈاؤن بینڈ اوور رو, سٹریٹ اپ, اپ رائٹ رو, ٹھیک ہے, تھوڑا سا میں اس اینگل میں بتا دیتا ہوں. جی جی جی, کیجیے, آپ کیا ہے اس کے بعد, آپ یعنی آپ مڈل بیک اور اپر بیک دونوں کا ورک آؤٹ آپ کر رہے ہیں, سیدھے ہوئے جی,
आपने इसे इतना आसान नहीं है जितना कि जितने आसान अंदाज में दोनों कर रहे हैं। बैक स्ट्रेट और आपकी जो कोहनियां हैं वो ऊपर जानी चाहिए। yes. आपकी जो रिस्ट है कलाई वो नीचे होगी। और अगेन काशिफ ने क्योंकि आसानी से किया, लेकिन ये देख लीजिएगा कि अपराइट रो भी जैसे हम बताते हैं रिस्की एक्सरसाइज। अपनी ठोड़ी को जख्मी नहीं कर लेना। मुश्किल वर्ड था। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है काशिफ, हमने टू स्क्वाट्स करने और जंप्स। तो जैसे आप यहाँ पे आए, ये डंबल्स आपने रखे हैं, पांव आप इतने ओपन कर लें कि जितने आपके शोल्डर्स हैं, हाँ, यहाँ बैलेंस कर सके अपनी बॉडी को। जी जी, तो आप जैसे नीचे आए दो दफा आपने बैठना है एंड जंप। वन टू एंड जंप। वन टू जंप। वन टू गुड। अभी चूंकि वैसे तो आप करते हैं जंप्स वगैरह, लेकिन मुश्किल इसलए है वेट के साथ। वेट के साथ इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो ये 20 रेपिटेशंस आपने करनी है। ओह यस। उसके बाद विल कम डाउन, स्टार्ट ऑन डंबल्स डाउन, बैक टू बर्पी, फ्रंट रेजेस 8 kg, बैक अप अप। सुकून नहीं इन दोनों की जिंदगी में, कोई काम आराम से नहीं करना। अप बस, फिर सीधे अब चूंकि कार्डियो वर्कआउट, मैं डंबल रखूंगा ये आसानी के लिए बताने के लिए, हाथ ऊपर और अप। लेकिन ये काशिफ के लिए आसानी नहीं है, इसका मकसद ये है कि जो वेट आप यानी शोल्डर को अप करने के लिए फ्रंट शोल्डर के लिए रिस्की है, 8 kg ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो वो करने को वो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने इसलिए आपको ऐसे बताया है कि जब यहाँ पे आते हैं ये अप करेंगे, अब 8 kg का वेट जब इस एंगल में उठाएंगे तो ये आपको इंजरी दे सकता है, क्योंकि एंगल ड्रॉप हो चुका है, एंटायर वेट आपका जो आपके एक हाथ पे आ जाता है जब आप इस फॉर्म में आते हैं जी, और फिर आपने यूं करना होता है 8 kg के साथ या किसी भी वेट के साथ। मैंने हमेशा बताया जो आइसोलेशन मूवमेंट है उसमें वजन कम रखना है। बिल्कुल, और वो कोशिश भी हम आजकल ये कर रहे हैं मैं और काशिफ कि हम सेफेस्ट भी वे बताते रहे। लास्ट जो एक्सरसाइज है हमारी, लेट्स मूव ऑन टू लास्ट एक्सरसाइज। अच्छा, जैक नाइफ। काशिफ एक वेट का ही आई थिंक बेहतर रहेगा। श्योर, आ जाइए प्लीज। मैं चाहूंगा कि जी वेट के बगैर बताऊं। ओके जी, करना क्या है, यू ब्रिंग योर लेग्स अप, ये इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब ये आपके अपर और लोअर दोनों एब्स एब्डोमिनल काम कर रहे हैं। और आपने नोट किया कि हमने अपर एंड लोअर बॉडी के मसल्स को वर्क करने के बाद अब हम पेट पे आ गए। जी बिल्कुल, यही हमारी टेक्निक और स्ट्रेटजी है आज के वर्कआउट। यानी यूजुअली अगर फुल बॉडी का हम मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तहमीना काशिफ, तो जो एब्स की एक्सरसाइज है उसको टुवर्ड्स द एंड रखना चाहिए। जी, टुवर्ड्स द एंड इज फाइन, क्योंकि एब्डोमिनल का ये होता है कि फिर इजी हो जाता है, लेकिन जितनी भी एक्सरसाइजेस की हैं उसमें ये नहीं था कि एब्स इन्वॉल्व नहीं थे। तो अगर आप इसके बाद कोई पेट की एक्सरसाइज नहीं भी करना चाहते, देखिए प्लैंक तो जहां आया प्लैंक आया तो एब्स इन्वॉल्व हुए, क्योंकि आपकी पूरी कोर ने आपके पूरे जिस्म को। और जब आप लंजेस करते हैं या फॉर एग्जांपल जैसे हम बार बार जंप्स कर रहे थे, तो वो जो बैलेंस है वो कोर का है, यानी आपके एब्डोमिनल का है। तो अक्सर लोग ये भी करते हैं ना कि मेरा लोअर एब्डोमिनल ज्यादा है या मेरे लव हैंडल्स या साइड ज्यादा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखेंगे जब आप अपने आप को बैलेंस करते हैं लाइक ऊपर नीचे वेट कर रहे हैं स्विंग्स कर रहे हैं, तो सारी की सारी बॉडी इन्वॉल्व है। तो कार्डियो भी है, स्ट्रेंथ भी है, एंड्योरेंस भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू वेरी मच। हम चलके लेंगे एक छोटा सा मशहूर या ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ आज जरा आर्ट वार्ट और पेंटिंग की और कलर्स की बात होने लगी है। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। अक्सर बात करते हैं बच्चों से तो पता चलता है कि उन पे आजकल पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा है कि उनको अगर किसी चीज का शौक है, आर्ट का, म्यूजिक का, कुकिंग का, एम्ब्रॉयडरी का, कुछ भी एक टीनेजर का इंटरेस्ट हो सकता है, उस इंटरेस्ट के लिए, उस शौक की तशफी के लिए उसके पास वक्त नहीं होता। पढ़ाई 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 पढ़ाई। लेकिन लाइबा हमारी एक ऐसी दोस्त है कि जो कहती है पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन मैं अपने शौक के लिए वक्त निकालती हूँ। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लाइबा का इंटरेस्ट है जी ये, यानी के स्केचिंग। आज हम लाइबा के कुछ स्केचेस भी आपको साथ साथ दिखाएंगे, और साथ ही साथ
कैमरा 3 क्लोजअप करके आपको ये भी दिखाएगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा जी, ये जरा बताए ना कि इसको कितनी देर में आपने तैयार किया? एक्चुअली मैं इसको टाइम हर वक्त नहीं करती, टाइम बाय टाइम करती हूँ, तो इसको ना मुझे 3 डेज लगे थे क्योंकि इसमें शेडिंग बहुत डिटेल्स में थी। और ये जो है इसके, ये आपके सामने रखा रहा 3 दिन कोई, मतलब ये जो आपने ये सारे स्टिल लाइफ ड्राइंग थी जी, तो सामने रखा रहा जी जी, तो ऐसा तो नहीं हुआ लाइबा ने आधी ड्राइंग बनाई थी, अम्मी आई, अम्मी ने बर्तन उठा के चलो भाई धुलने वाले बर्तन उठाओ एक कमरे से, नहीं नहीं नहीं, ये एक स्पेसिफिक रूम में रखा था। वहाँ अम्मी के दाखिले पे पाबंदी होती है? नहीं नहीं, वहाँ से चीजें नहीं छेड़ते। अच्छा देखिए जी, आर्टिस्ट होता है ना जी, आर्टिस्ट के लिए कोई भी चीज इंट्रीग कर सकती है। अब जिंदगी में आपने पहली दफा देखा होगा बल्ब को सामने रख के उसको ड्रॉ करना, ये ख्याल कैसे आता? हम हर चीज का सोचना चाहिए ना कि क्या चीज का कैसा लुक होता है, तो बल्ब का लुक एक्चुअली लोगों को अट्रैक्ट करता है, इसका काफी अच्छा लुक होता है, तो फिर मैंने इसको ट्राई करने की कोशिश। अच्छा, और ये बल्ब है और अगेन नीचे पॉटरी है। अच्छा जी, आगे हम चलें तो मुझे एक और तुम्हारे काम में बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज नजर आई थी और वो ये है। जी जी, ये भी बिल्कुल सामने रख के स्टिल लाइफ ड्राइंग में ही आ जाते हैं, सामने रख के ना चीजें बनाते हैं। इसको तो कभी प्ले करने की भी कोशिश की रबाब को? नहीं, है ना? तो आर्टिस्ट का अपना जो इंटरेस्ट है वो किसी एक साइड, उसका आर्ट की क्रिएशन किसी एक साइड पे होती है। जी जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी डिटेल्ड। अच्छा जी, और उसके बाद हम इस तरफ जा रहे हैं कि हम, हाँ ये मेरी फेवरेट है लाइबा की, ये जो ऊपर है ना जी, एक ये बैग है, दिस इज ब्यूटिफुल। और अच्छा, ये खुद से सिलेक्ट करती हो, मतलब खुद बनाती हो कि क्या चीज कहाँ रखनी, बैग इधर रखना है, इधर जी जी ये रखेंगे, इसके अंदर ये ब्रश होगा जी। ये सेटिंग कौन करता है? ये सेटिंग मैं कर लेती हूँ ना, उसके बाद मैं पूछ लेती हूँ किसी से कि ये सही लग रहा है। अच्छा, तो अगर वो कहते हैं तो ठीक है, तो फिर मैं उसको दोबारा ठीक कर लेती हूँ, अगर गलत हो तो फिर मैं उसको बना लेती। अच्छा, ये पेंसिल से बनाया, किससे बनाया? जी जी, ये पेंसिल्स होती हैं, ड्राइंग की पेंसिल्स भी मिलती हैं अक्सर। ओके, तो डार्केस्ट पेंसिल होती है 9B, 9B डार्केस्ट, ठीक है। तो वो ड्राइंग जो होती है वो 2B से होती है, लाइटेस्ट पेंसिल से। ओके, तो डार्क जो होते हैं, इसके अंदर डार्क भी लगे हुए हैं, डार्क जो होते हैं वो 9B से लगते हैं। जरा कट करें जी क्लोजअप में, हम जरा 9 और 2 का फर्क देखना चाह रहे हैं। ड्राइंग, हाँ आप जरा बताओ 2 कहाँ यूज हुआ है और 9 कहाँ यूज हुआ? 2 यहाँ पर यूज हुआ है, इस पार्ट पे, और 9B जो है वो इस पार्ट पे डार्केस्ट पे, डार्केस्ट पे जी। और इसमें रबर से मिटाया भी जा सकता है या बस एक दफा लग गया तो लग गया? 9B पे नहीं, क्योंकि वो डार्क होता है तो इरेज करके तो खराब हो जाता है। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब ये वाला जो है जी, मैं चाहूंगा इसका जरा क्लोजअप लें, ये ग्लास के अंदर आइस गिर रही है। अब इसको कैसे तुमने स्टिल किया था 3 दिन के लिए? नो, ये स्टिल नहीं था, इट वाज अ पिक्चर फ्रॉम अ गूगल। अच्छा, उसको देख के आपने? जी, उसको देख के बनाया था। अच्छा, मैं जब छोटा था ना, मैं ड्राइंग में इतना बुरा था लाइबा, मैं पता क्या किया करता था, वो हम रख के ना उसको कार्बन पेपर से ऊपर से बना लिया करते थे और शो मारते थे कि हमने बनाई। अच्छा, मैं ट्रिक बता रहा हूं। अच्छा हां, बताओ बताओ क्या कह रहे हो? बहुत से होते हैं ना कि वो छोटे बच्चों को ना आर्ट्स का ना सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आर्ट का सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, उसको इंटरेस्ट के लिए लेना चाहिए, एक्टिविटी के लिए लेना चाहिए। बड़ी अच्छी बात तुम कर रही हो डायबा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये काम, ये तो जिंदगी के हर चीज में ही होना चाहिए। मतलब आप हर एक मैथमेटिक्स को भी अगर आप काम समझेंगे तो वो कभी भी नहीं आएगी, लेकिन उसको आप शौक समझेंगे। आजकल यही मसला है ना कि वो सब्जेक्ट के तौर पे बहुत ज्यादा प्रेशर के तौर पे लिया जाता है। अच्छा, टाइम कितना निकालती हो आर्ट के लिए अपने? आर्ट के लिए स्कूल से आके तो थोड़ा सा पढ़ के, तो फिर जो टाइम बचता है वो मैं आर्ट को देती हूँ। लेकिन उससे आपके नंबर्स या ग्रेड्स इफेक्ट तो नहीं होते? नो, पढ़ाई करने के बाद इस पे आते हैं ना। पढ़ाई करने के बाद? जी जी। अच्छा जी, ये देखें, ये भी अब एक थोड़ा सा लाइबा का स्टाइल है। वाओ, कितना खूबसूरत आपने उस बुजुर्ग खातून की के चेहरे को डिपिक्ट किया है। Very nice, very nice, very nice. इसमें भी 9B यूज हुई है और भी पेंसिल्स है ना, 8B, उसके मुताबिक, इसकी शेडिंग के मुताबिक हम वो यूज करते हैं। और देखें जी, गेस्ट कौन आ रहा है हमारे शो में आज? डरन डरन, आतिफ असलम। ऑलराइट, डू यू लाइक आतिफ? यस, है ना? अच्छा, ये इसमें मेरा ख्याल है बालों में 9 यूज हुआ है। देखो, मुझे भी इतने आर्ट का पता लग गया, 9B है ना। और जो बाकी फीचर्स के बाहर निकालने के लिए ना 9B लेते हैं, ताकि वो जो डेप्थ है ना वो बाहर आ जाए। अच्छा, सच से बताना, ट्रेस तो नहीं किया था? नहीं नहीं,
खुद हाथ से बनाया? यस। वेरी गुड, तो मेरा स्केच भी बना सकती हो तुम? जी जी। उसके लिए बहुत बड़ा शीट चाहिए होगी, है ना? स्कॉलर इतनी छोटी सी जगह पे तो मेरा इतना बड़ा समूह आ ही नहीं सकता। स्कॉलर शीट मिलती है, हम उस पे बना लेंगे। अच्छा, ये भी एक जनाब लास्ट वन, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छा, मतलब कोई बच्चों के या जवान चेहरे तो मैं अट्रैक्ट नहीं करते, बुजुर्ग चेहरे अट्रैक्ट करते हैं। मैं पहले इसलिए बुजुर्ग के बना रही हूँ ताकि उनके अंदर ज्यादा डिटेल्स होती हैं। बुजुर्ग के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स होती हैं, उसके अंदर जब आप डिटेल्स कैच कर लोगे ना इसमें से, तो फिर आपको इजी होगा यंग की चेयर बनाने में। अच्छा, तो कहीं बार होता है ना कि इसकी शेडिंग नहीं आ रही होती आपको, क्योंकि बूढ़ों के फेस जो होते हैं ना वो सबसे मुश्किल होते हैं, क्योंकि उसके अंदर रिंकल्स होती हैं, बहुत डिटेल्स होती हैं, उसमें जाना पड़ता है। तो रिंकल्स वाला चेहरा मुश्किल होता है। जी जी, वेरी नाइस। अच्छा, ये जो आपके जो पोर्ट्रेट्स भी आप बना रहे हो, ये भी कहीं गूगल पे या किसी को देख के या खुद से ख्याल का तसव्वुर करके भी कोई चेहरा बनाया जा सकता है? गूगल पे सर्च करती हूँ, अगर कुछ पसंद आए ना तो फिर मैं उसे बनाना चाहती हूँ ना, तो फिर मैं, अगर नहीं आता तो फिर, अगर खुद ही बैठे बैठे ना मज़ा आता है उसको बनाते हुए, खुद ही बैठ के ना अगर आप बैठे बैठे कुछ सोच रहे हो तब आप स्केचिंग करो ना, तो वो बहुत अच्छी बनती है। फ्यूचर प्लान्स क्या है? आर्ट हर फील्ड में यूज़ होता है, तो मैं आर्ट के साथ चलूँगी, जिस भी फील्ड में जाओ आर्ट हर चीज़ में फील्ड में यूज़ होता है, चाहे वो मीडिया की फील्ड हो या फिर कोई और फील्ड हो, आर्ट हर चीज़ में है, तो मैं आर्ट। और अम्मी अब्बू सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा? अच्छा, उन्हीं की तो सपोर्ट सही दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लाइबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया। और इस तरह की चीजें भी बनाती हो तुम, ये क्या है? जी जी, ये तो मैं आपके लिए लाई थी। ओह, फ्रेश फ्लावर्स का गुलदस्ता, थैंक यू सो मच। वाजीबा, ये भी दिखा दें जी क्लोजअप में। आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, देखें फिर वो जिस चीज को भी हाथ लगाता है वो आर्ट बन जाती है। थैंक यू फॉर सच नाइस फ्लावर्स। इसकी खास बात पता क्या है? ये कभी मुरझाएंगे नहीं, ना ही इनके रंग फीके पड़ेंगे और ना ही इनकी खुशबू खत्म होगी। लाइबा, थैंक यू वेरी मच, जीती रहो, बहुत मजा आया। और लाइबा जैसे यंग आर्टिस्ट को, यंग पैशनेट स्टूडेंट्स को हम इनकरेज करते हैं अपने शो में, चाहे आप ड्राइंग करते हैं, चाहे कोई और भी आपका शौक है जो आप चाहते हैं कि इस शो के जरिए दूसरों तक पहुंचे, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर रब्ता कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम हमारे शो का नाम, उसी का फेसबुक पेज, या मेरा तौसी खैदर का फेसबुक पेज। हमें जाके इनबॉक्स कीजिए, अपनी डिटेल्स लिखिए और बताइए कि आप किस एंगल से हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं। हम अब आपको इनकरेज भी करेंगे और ये भी कहेंगे कि आएं और अपना काम और अपनी क्रिएटिविटी से हमारे शो को सजाएं। चल करेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूर या ब्रेक, और इसके बाद डॉक्टर नौशीन बिल्कुल तैयार बैठी है माय प्लेट के साथ। यानी माय प्लेट डॉक्टर साहबा के पास कैसे चली गई, ये भी जरा सरप्राइज खोलते हैं। रहिए मेरे साथ। मेरे जैसे बंदे को अगर कहा जाए कि आप अपना पोर्शन कंट्रोल करें, तो मेरा जवाब आके सही होता है कि पोर्शन कंट्रोल कैसे करें, हमारी क्यूजीन जो साउथ एशियन क्यूजीन है उसमें कोई हिसाब किताब तो होता नहीं। उन आलू कीमा है, उन आलू कीमा पाई जाओ तो खाई जाओ, पाई जाओ तो खाई जाओ। पराठे हैं तो आ रहे हैं डॉक्टर साहबा, तो आने दो, फिर चल रहे हैं तो चलने दो। ये पोर्शन कंट्रोल आलू कीमा के साथ बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप हमेशा आलू कीमे की एग्जांपल दे रहे हैं, आई थिंक दैट्स योर फेवरेट, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं लाल लोबी की एग्जांपल भी दे सकता हूं। लाल नहीं, लेकिन मैंने अक्सर आलू कीमा आपके मुंह से सुना। और शोरबे वाला शलजम गोश्त सफेद चावलों के साथ, आए इसकी एग्जांपल तो भी आपने सुनी। फिर तो मेरा माय प्लेट कॉन्सेप्ट फेल ना हो जाए। मेरे सामने हर इस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फेल होने जा रहा है। लेकिन बताइए जी, माय प्लेट क्या है और ये मेरी प्लेट आपके पास क्या कर रही है? ये माय प्लेट इज बेसिकली हम सबकी प्लेट, माय प्लेट आपका, माय प्लेट कॉन्सेप्ट ये है कि जनरली ये दो जगह पे इस्तेमाल होता है। एक तो जब कोई पूछता है कि मैं डाइट प्लान नहीं फॉलो कर सकता और मैं क्या करूं, अच्छा। तो हम उनको बताते हैं कि माय प्लेट कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करना है, ठीक है। और एक होता है क्वेश्चन कि आई हैव लॉस्ट वेट, अब मैं अपना वेट मेंटेन कैसे कर सकती हूं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की होती है, आपने इतनी ज्यादा, तो आप अगर नॉर्मल इतनी डाइट पे वापस चले जाएंगे तो विल स्टार्ट गेनिंग बैक। तो उसके लिए हमारा, आज हम इन दो एरियाज को कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है। अच्छा जी, अगर हमारी स्लाइड अगर है, हाँ जी, स्लाइड अगर प्ले करें, माय प्लेट की पहली स्लाइड।
ये देखें, ये माई प्लेट की एक स्लाइड है, ये डिफरेंट कलर्स हैं इसमें। ये बेसिकली अट्रैक्टिव इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चों के भी हेल्प आउट कर सकता है ये, ठीक है। सो ऑरेंज इज ग्रेन्स, जो पर्पल सा है वो प्रोटीन्स हैं, और जो रेड है वो फ्रूट्स हैं, और जो ग्रीन है वो वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, अच्छा, अब ग्रेन्स क्या होते हैं ये देखिए, इसका बेसिकली जो डिविजन है ये 40% आपकी ग्रेन्स है, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट अनाज, अनाज से मुराद हमारे पास रोटी चावल और ये हो जाता है चक्की का आटा, ये सारा चीज़ें, ठीक है। प्रोटीन से मुराद हमारा गोश्त है, जो कि आपका 25% to 30% होता है प्लेट का, ठीक है, ठीक है। और प्रोटीन्स में हमारे पास गोश्त आएगा, दालें आएंगी, ये सारा कुछ है। इसी तरह ग्रीन्स आप देख रहे हैं जो कि वेजिटेबल्स हैं, वो एक बड़ा पोर्शन होता है। ग्रीन्स आपका 40% ऑफ द प्लेट होता है, ठीक है, 40% मींस होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, 40% आपकी प्लेट का पोर्शन जो है वो वेजिटेबल्स या सैलेड्स पे होना चाहिए, और जो बाकी रेस्ट 10% 30 आपका 10% है वो आपके फ्रूट्स हैं। और आपने एक देखा होगा, ये भी एक हमारा उसी तरह डिवीजन देखिए से बताया हुआ है कि किस तरीके से आपकी ब्रेड है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारा कुछ है। यानी अपनी प्लेट को एक आंखों में ही, मतलब एक्चुअल लाइनें नहीं लगानी, नहीं, लेकिन आंखों में ही, आंखों आंखों में, बिल्कुल, आंखें चार करें प्लेट के साथ अब की बात गुड और देखें कि उसके चार हिस्से करने हैं, okay। और एक छोटा सा पोर्शन जो शुरू में था वो ब्लूज है, वो डेरी होता है। डेरी का मतलब है कि एक ग्लास दूध या इस तरह की कोई चीज़ आपने ले ली है, क्योंकि हमारा कैल्शियम विद पासिंग एज आपका कैल्शियम जो है वो डेफिसिट होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हर मील के अंदर ये चारों चीजें ले रहे हो, मतलब सब्जी भी है, गोश्त भी है। अगेन वही बात आती है, हमारी कुजीन इस तरह की, जिस दिन हम गोश्त खा रहे हैं उस दिन हम गोश्त खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं सब्जी खा रहे हैं, तो फिर वो वाला हिस्सा खाली छोड़ दें। नहीं, आपका बेसिकली माय प्लेट हर वक्त की जरूरत है। ये बेसिकली देखिए मैं आपको बताऊँ, वही वाली बात है ना कि अगर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो अपना वेट मेंटेन भी नहीं कर सकते और वेट लूज भी नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। तो ये बड़ा आपका प्रैक्टिस इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है कि आप किस तरह करें, लेकिन वंस आपको आदत हो जाए ना, ये आपका रूटीन बन जाता है। आपको पता भी नहीं चलता और आपकी प्लेट ऐसे ही बनती है जैसे कि आपने इतना पोर्शन ले लिया, चपाती का आधा हिस्सा ले लिया, गोश्त का दो पीसेस ले लिए। चपाती का आधा हिस्सा में तो मेरा एक नवाला होता है, तो फिर उसके बाद मैं फुल्का नहीं कह रही ना, मैं चपाती कह रही हूँ। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि वो जो है ना, मेरा एक 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 बुक रिलीज होगी बाय तौसीक और एक बाय मी, और उसमें दोनों के कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो रहे होंगे तो ये बड़ा आपको हेल्प आउट करता है बेसिकली। ये उन लोगों के लिए है जो नहीं डाइट प्लान फॉलो कर सकते, जो लोग अपना मेंटेन करना चाहते हैं। देखा जाए तो आप किसी चीज़ से डिप्राइव नहीं हो रहे, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, 5 ग्रुप्स ऑफ फूड, सारे आपको वेजिटेबल्स, कार्ब्स हैं आपके पास, प्रोटीन्स हैं आपके पास, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और डेरी है, तो ये सारा कुछ आपके पास उसमें है। ग्रेट। अच्छा, एक स्लाइड और भी मेरा ख्याल है हमारे पास है, अगर उस पे हम चलें, ये है जी माय हेल्दी प्लेट। इसको क्या कहा, इसको भी हेल्दी प्लेट, माय प्लेट और माय हेल्दी प्लेट देखा जाए तो ये हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, तो हम इसको माय हेल्दी प्लेट भी बोलते हैं। और देखिए, एक फ्रूट आपको नजर आ रहा है, ज्यादा वेजिटेबल्स नजर आ रहे हैं, प्रोटीन्स और जो रोटी चावल का पोर्शन है वो आपको अलहदा नजर आ रहा है येलो में, और ग्लास में आपको दूध भी नजर आ रहा है, और आपको एक आदमी भागता हुआ नजर आ रहा होगा, कैन यू सी दैट? हाँ, वो आपका मेन, वो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इफ़ यू वॉन्ट टू लूज वेट या आपने अपने आपकी हेल्दी लिविंग मेंटेन करनी है, तो फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वॉक, जिम, एनीथिंग यू कैन ऐड टू इट। पर ये आदमी बिल्कुल मुझे ट्रेनर काशिफ लग रहा है जो भाग रहा है, भाग रहा है, शैडो है ट्रेनर काशिफ का, ये बिल्कुल है ना। और ट्रेनर काशिफ को जो फिल्म ऑफर हुई है वो उसका डायरेक्टर भी उसके पीछे नहीं भाग रहा, ये तो बड़ा एक्साइटिंग है, वैसे मुझे भी पता चला है। आप ये देखते हैं डॉक्टर साहब, हमारे शो में आए तो फिल्में ऑफर होती है ना, आप तैयारी पकड़, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं उस मिलियन डॉलर क्वेश्चन पे, जिसका जवाब आप एक लिहाज से तो दे चुकी हैं कि माय प्लेट वेट को मेंटेन करने के लिए भी आती है, लेकिन वेट की को मेंटेन करना इसका मतलब है जिंदगी भर आप बस गिने चुने फुलके और दो निवाले और चार निवाले इनमें पूरी जिंदगी बट के रह जाएगी। भाई हमने तो वेट कम किया था कि उसके बाद हम कोई जिंदगी को एंजॉय करें, कोई हम खाने एंजॉय करें, उसके बाद भी अगर माय प्लेट में हमने महदूद होकर रह जाना है तो फिर तो मजा ना रहा।
देखिए तो कभी कभी क्या निहारियां शिहारियां आप खा सकते हैं वंस हम कहते हैं ना चीट मील हाँ, हमारी टर्म में चीट डे नहीं होता चीट मील होता है क्योंकि चीट डे का मतलब है कि आपकी जितनी हफ्तों की मेहनत है वो जाया हो जाता है एक चीट मील आप ले सकते हैं क्यों नहीं वाई नॉट डू नॉट डिप्राइव योरसेल्फ आप अपने आप को एंटरटेन मतलब किसी भी तरीके से जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वंस इन टू वीक्स आप ले सकते हैं आप खा सकते हैं लेकिन ये है कि ऑफकोर्स विद हेल्दी लिविंग हमें थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस चेंज करनी पड़ेंगी देखा जाए तो माई प्लेट का कॉन्सेप्ट हमारे बुजुर्ग प्रैक्टिस करते थे आपको अच्छा। याद होगा कि उनकी प्लेट में सैलेड भी ज़रूर होती थी और सारी चीज़ होती थी अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं प्रैक्टिस किया हम लोग इसको पीछे छोड़ गए 2011 में ये दोबारा इंट्रोड्यूस हुआ है माई प्लेट कॉन्सेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड और ये न्यूट्रिशन का एक बहुत बेसिक हमारा पहलू है जिस पे अगर फोकस करें तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं डॉक्टर नौशीन अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं डेयरी प्रोडक्ट्स अब उसमें दूध भी आ जाता है दही भी आ जाता है मक्खन भी आ जाता है बालाई भी आ जाती है सो डेयरी प्रोडक्ट्स में कौन सी चीज़ें हैं जो कि फैटी हैं कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको इजाज़त है इजाज़त तो आपको दूध की है और योगर्ट की है मक्खन जो है मक्खन अगर आप ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वो एक टीस्पून अलाउड होता है पूरे दिन में ठीक है और उसके अलावा जो है दूध का भी क्या है कि लो फैट भी बड़ा आसान तरीका है स्किम मिल्क बनाने का अगर आप लोग कहते हैं ताज़ा दूध इस्तेमाल करते हैं हमसे नहीं पिया जाता तो आप से बलाई को हटा दें ऊपर से उसको बॉईल करके बलाई ऊपर से हटा दें अगर आप उसको दो दफ़ा बॉईल देंगे ना उस दूध को तो आपका वो दूध स्किम मिल्क बन जाता है बलाई की इजाज़त नहीं है बलाई की इजाज़त वंस अ वीक है इससे ज्यादा नहीं है बलाई जो है वो थोड़ा सा हमारा एक्चुअली वो अगर आप कहती है ना बलाई की बिल्कुल इजाजत नहीं है तो मैंने वॉकआउट कर दिया नहीं 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 आई डोंट वांट यू टू लीव द शो मैं इसीलिए कह दिया मतलब रस के ऊपर बलाई लगा के मैं आपको कह रही हूँ ना आपकी बुक अलग होगी और मेरी बुक अलग होगी मेरी बुक सुपर हिट होगी ये याद रखना आपने क्योंकि जिस तरह के मैंने नुस्खे बताने हैं ना लेकिन ये कि बलाई का एक्चुअली डिपोजिशन होती है आपकी आर्टरीज पे तो उसी लिए हम थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं अच्छा जी एक और रिलेटेड चीज और वो है चीज यानी कि पनीर उसका जरा बताइए कि जो प्रोसेस्ड चीज हमें पैकेट्स में या डब्बों में बाजार में मिल रहा है वो हेल्दी है नहीं है या घर में जो पनीर बनता है वो हेल्दी है नहीं है जरा उस पे थोड़ा सा रोशनी हेल्दी प्रोसेस्ड चीज जो है वो इतनी तो मैं नहीं उसको सपोर्ट करती आपके पास अगर आपने अपना वेट मेंटेन करना है और हेल्दी ईटिंग की तरफ जाना है तो दो चीजें होती हैं एक होती है कॉटेज चीज कॉटेज चीज़ सबसे अच्छी है और वो पाकिस्तान हमारा जो पेशावर है वो तो रिच है मशहूर है इस बारे में ठीक है कॉटेज चीज़ आप किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं और वो आपको बड़ा हेल्प करती है या एक चीज़ कहलाती है फेटा चीज़ लेकिन फेटा चीज़ में थोड़ा सा सॉल्ट का लेवल ज़्यादा होता है तो वो सॉल्ट के लिए फिर हम इसलिए कॉटेज चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कॉटेज चीज़ और घर की बनी हुई चीज़ की तो क्या बात है उसकी तो क्या ही क्या ही बात है अच्छा जी आज के इस पूरे सेशन को हम एक दफ़ा समअप करना चाहेंगे अगर हम पहली स्लाइड पर जाएँ और क्विकली माई प्लेट का कॉन्सेप्ट जो है वो डॉक्टर साहब ने जो हमें बताया कि आप वर्चुअली एक्चुअली रंग करने की जरूरत नहीं है अपनी प्लेट को इतनी प्यारी सी ना ही उसको फुटा पकड़ के लाइनें लगाने की जरूरत है लेकिन कॉन्सेप्चुअली अपनी प्लेट को चार हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए एक अनाज का है एक फ्रूट का है एक मीट का है यानी कि प्रोटीन्स का और एक वेजिटेबल्स का और अपनी प्लेट को इन पोर्शंस के अंदर अच्छा दोबारा सेकंड सर्विंग की इजाजत है नहीं 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 बस इस प्लेट के यही आपकी दुनिया है बस इसी में गुजारा करने की कोशिश कर आप समझ आए माय प्लेट आप इसको ओन कर रहे हैं दिस इज माय प्लेट एग्जैक्टली अच्छा ये तो हो गया माय प्लेट का कॉन्सेप्ट और ब्रेकफास्ट एट होम हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर आप इनबॉक्स करते हैं हमारे रोज जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स आते हैं डिफरेंट मौजूदात पे अपना सेशन लेके अपना सेगमेंट लेके उनके लिए सवालात के साथ और इनबॉक्स पे आपके लिए कुरतुल ऐन का सवाल आया है और सवाल उनका क्या है जी मुस्कान आफरीदी अच्छा ये कुरतुल ऐन का सवाल भी था बाय द वे अच्छा वहाँ क्या सवाल है जी कि उन्होंने पूछा है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आंखें नीचे से सूजी हुई होती हैं हाँ। आई बैग जो है उनमें स्वेलिंग हो जाती है तो इसका बेसिकली तीन चीज़ें हो सकती हैं एक तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही आप अपनी नींद के पैटर्न को सही करें दूसरा ये है कि आप पानी जो है जब पीते हैं तो रात को सोने से बहुत मतलब अगर आप 9 बजे सो रहे हैं तो 7 बजे शुड बी योर लास्ट इनटेक ऑफ ग्लास ऑफ वाटर ठीक है अगर आपकी क्योंकि वाटर रिटेंशन हो रही होती है और तीसरा ये है कि आपको अपने खाने में नमक का इस्तेमाल कम करना होगा नमक में होता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्या करता है वो वाटर रिटेंशन करता है दैट इज वन ऑफ द रीजन जो लोग बहुत ज्यादा सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी अक्सर आंखों के नीचे बैगिनेस और उनकी जो है स्वेलिंग होती है आई बैग्स की तो मुस्कान आफरीदी आपके लिए तीन टिप्स हैं एक तो आपने सोना वक्त पे है अपनी नींद पूरी करनी है नमक का इस्तेमाल कम करना है और रात को बिल्कुल सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना
और ये सिर्फ मुस्कान के लिए नहीं, आप सब के लिए, हम सब के लिए ये इनपुट है। और वो कुरतुलाइन को जो सवाल था वो था जी चीज वाला, कि चीज कौन सी खानी चाहिए, उसका जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं। डॉक्टर रोशन, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मुफीद आपकी टिप्स होती हैं, अमल में किसी पे भी नहीं, सब पे अमल करता हूँ, डोंट वरी। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा बशोनिया ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको पता है कि हम किससे मिलवा रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज में तफसील से उनका तारुफ मैंने आपको करवाया था, नौमान मसूद, द वन एंड ओनली बंधन वाले से। हम जरा इस स्टूडियो का बंधन दोबारा से आज जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इस स्टूडियो में और इस स्टेशन के साथ इन्होंने एक्चुअली अपने करियर का आगाज किया, और आज उनसे जानेंगे कि इतने अरसे के बाद इस स्टूडियो में एंटर होके क्या वो इमोशनल है, जज्बाती हो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये सब ड्रामा होता है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। नोमी हमारे साथ मौजूद है, मुस्कुरा रहे हैं, बैठे हुए हमारे येलो सोफे पे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इनसे गपशप होगी, रही मेरे साथ। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज हमारे साथ एक ऐसे दोस्त मौजूद हैं कि जिनसे मिलके मुझे बहुत पुराना, मेरी और नौमान की उम्र का पता लगेगा, लेकिन बहुत पुराना वक्त याद आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड टू सी यू, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाला मेरे शो के लिए, और वाकई ये जो कहा जाता है अच्छे वक्त थे वो, अभी हम यही बात कर रहे थे ब्रेक पे, आप लोग थे, अच्छे वक्त थे यार। मुझे लगता है हर वक्त अच्छा है, आपको बनाना आना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग when we started off, things were different. सारे immature थे, लगे हुए थे, हम struggle कर रहे थे। ये नहीं कि कोई, अल्लाह का शुक्र है जब हम लोग आए financially हमारे इतने issues नहीं थे जितने लोगों के होते हैं। We are very blessed, seriously, कि एक ऐसी family से आया कि जिन्होंने बड़े प्यार से पाला। वो और बात है कि जब acting में आए तो पसीने निकल गए कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है, बड़ा मजाक उड़ा पहले ड्रामे में। अच्छा, you were a pampered child. I was a very much pampered child. एक incubator में नहीं पलता बच्चा। मैं तो बड़ा हंसता था, मेरी तो बड़ी लड़ाइयाँ रही हैं। ओ, स्कूल के ट्रिप पे जा रहे होते थे सारे बच्चे बस में, और मुझे माँ बाप अलग लेके जा रहे होते थे। Seriously? खुदा की कसम। ऐसा शहजादा? हाँ, नहीं शहजादा, मैं उतरता था, मेरा इतना तवा लगता था कि यार उसको देखो यार, वो बेबी आ गया। और मैं घर जाके जो लड़ता था, मैं कहता था क्यों आप लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं यार, मेरे सारे दोस्त मेरे मजाक करते, कहते कहते कोई गल नहीं। हाँ, मतलब इट्स ओके, साडा चांद जिहा पुत्तर है, साडा चांद जिहा पुत्तर है, वी गोना कीप हिम दैट। अच्छा, फिर बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में आके रियलिटी चेक्स जब मिले तो क्या, अब जरा थोड़ा सा इसका सीरियस एंगल लेते हैं, बच्चों से प्यार और अपने बच्चों की तरबियत में, डू यू रिकमेंड कि ये वाला पैम्पर ट्रीटमेंट होना चाहिए, या उनको रियलिटी चेक के लिए जरा सड़क की गली के धक्के भी मिलने चाहिए? Yeah, Tawseek, I was very young when Abu died in 94. It's been 24 years now. I was, what, 21, 22, 23. So, एकदम बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, खलंडरा सा। एक दिन में ही इनके जिस वक्त एकदम वो बेटा भी बन जाता है, भाई भी बन जाता है वो, और वो एक घर का बड़ा भी बन जाता है। तो वो जो एक पोर्शन, मिसिंग पोर्शन था ना, कि जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना था, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ग्रेजुअली इम्प्रूव करना था, सीखना था, वो स्किप ही हो गया एकदम। आई वॉज देयर टू प्रोटेक्ट माई फैमिली, आई वॉज देयर टू डू एवरीथिंग, और ये सारा कुछ। और हालांकि ये बात नहीं है कि मुझे को पैसे बिल्कुल। वो जब गए तो सबको बड़ा सेटल करके गए, मगर एकदम हट गए ना ऊपर से, फैमिली का VIP चला गया। VIP होता है ना, जिसकी वजह से लोग आपको मिलते हैं, आपको प्रोटोकॉल देते हैं, आपको बुलाते हैं। व्हाट डू यू रिकमेंड आजकल के पेरेंट्स को कि कैसे बच्चों को जिंदगी की आजमाइशों के लिए क्या साथ साथ तैयार करें या पैम्पर करके? यार वो जो मेरे साथ जो भी हुआ ना, अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है ना, सीरियसली इफ यू आस्क मी कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे दोनों बेटे हैं माशाल्लाह। मैं आई शेयर एवरीथिंग विद देम जो कि आई कैन शेयर विद यू। वाह, वेरी गुड। माई बेस्ट फ्रेंड इज माई वाइफ, माई मदर, माई सिस्टर, और जानने वाले तो माशाल्लाह मेरे करोड़ों में। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि आप अपना बेस्ट फ्रेंड अपने क्लोज फैमिली को बना लें। मैं वर्कशॉप जाता था, मेरे साथ होते थे, मैंने टायर पंक्चर मेरे साथ होते थे, क्योंकि मैं आई वॉन्टेड टू टेक देम एवरी वेयर कि यार ऐसे होता है सब कुछ। ये नहीं होता कि ड्राइवर के हाथ भेज दी गाड़ी के, तुम जाके पंक्चर लगवा लो, नहीं।
मैं सर्विस स्टेशन पे होता था एंड देयर वाज अ टाइम देयर इज नो हार्म इन सेइंग आई यूज्ड टू स्मोक 8-9 इयर्स बैक और मैं एक गाड़ी सर्विस करा रहा तो वो उस वक्त छोटे होते थे बैठे हुए थे मैं सिगरेट पी रहा तो एकदम एक साहब आया आप अपने बच्चों के सामने सिगरेट पी रहे हैं मैंने कहा जी मैं पी रहा हूँ कि बड़ी गलत बात है आपके बच्चे जो हैं वो कितना गलत इन्फ्लुएंस होगा बच्चों के मैंने कहा जी देखें बात यह है बाप कर रहा है ना किस तरह कर रहा है दैट इज़ वॉट मैटर्स अगर मैं एक वो कर्फ्यू लगा दूंगा ना हर चीज़ के ऊपर तो इन लोगों ने सारे काम यही करने हैं मगर बाहर जाके करने हैं उस वक्त कौन सा सिगरेट पी रहे हैं उस वक्त क्या कर रहे हैं आई वॉन्ट बी नोइंग इट मैंने जहाँ डिस्टेंसेस देखे पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में बहुत कुछ बदल गया आपने स्मोकिंग कैसे छोड़ी क्या मेरी विल पावर बहुत है मैं एक ही दिन में छोड़ी या कुछ च्युइंगम्स खाई या नहीं कुछ भी नहीं ऐसा ऐसा नखरा टखरा मुझे नहीं आता ठीक मैंने जब चीज खत्म करनी होती है मैं खत्म कर देता एक ही दिन छोड़ दी थी हाँ उस वक्त मेरी गाड़ी में भी कार्टन पड़ा हुआ था मेरे घर में भी कार्टन पड़ा हुआ था वो क्या मोमेंट था किस चीज ने ट्रिगर किया कुछ भी नहीं मुझे याद है मैं इंग्लैंड गया हुआ था किसी सीरियल के लिए इतनी सर्दी थी कि वहाँ पे उन्होंने लॉ बना दिया हुआ है कि जी आप अंदर स्मोकिंग नहीं कर सकते आप बाहर निकल के करेंगे तो बड़ा अच्छा लगा हमें मुझे बड़ा शौक था पब देखने का कि यार पब क्या होता है और वो बड़े हम फिल्मों में देखते थे तो पब में हम बैठे हुए तो किसी ने सिगरेट निकाला तो एकदम हमारे अपने किसी कलीग ने ना, जो कि नहीं, नो स्मोक। तो वो उस गोरे ने कहा कि प्लीज डू नॉट स्मोक इन हेयर यू कैन स्मोक आउटसाइड तो उसने कहा चल आप बाहर यार एक सूटा ही लगा लेते हैं अब बाहर गए इतनी सर्दी वो दो पफ लिए ना तो वो कांपने लग गया कान ठंडे यख हो गए हम अंदर आ गए उस दिन सिगरेट छोड़ दी नहीं ये सिलसिला चलता रहा दो तीन दफा फिर उसके फौरन बाद जब वापस आए रमजान आ गया जब रमजान आया तो फिर 30 डेज जो है वो आप रोजे में माशाल्लाह पिछले 25 साल से पूरे रख रहा हूँ माशाल्लाह मेरा ख्याल है मैंने 25 साल में 15 रोजे छोड़े होंगे छूट गए होंगे किसी वजह से वाह वाह तो वो जो तो वो एक चीज कंटिन्यू बस होता रहा फिर मैंने जब शाम को इफ्तारी के बाद मैंने कहा यार ये क्या बकवास है यार फिर जिस दिन से मैंने छोड़ा और फिर मैंने अपना ट्रेनिंग राइट ये सब चीजें जो है ये यहाँ है यहाँ से आपने अगर कोई चीज छोड़नी है या स्टार्ट करनी है कोई भी आदत आपने अपनानी है या छोड़नी है वो सब यहाँ अब लोगों ने अल्टरनेट रख लिया वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आ गए हैं अब ये आ गया वो आ गया च्युइंगम यार ये तो वो अच्छा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्मोकर्स में जाते हैं यार भाग जाते हैं कि वो हमें हमारा भी दिल चाहेगा नौमान हमारे साथ मौजूद हैं एक छोटा सा मशहूरियाँ ब्रेक लेंगे ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे नौमान एक अब जाहिर प्रोडक्शन के अंदर है सीरियल्स प्रोड्यूस करते हैं फिल्म बनाने जा रहे हैं और एक वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं तो जरा इनसे कुछ गप लगाएंगे कि ये क्या सीन है भाई कि ये जो मतलब टीवी की प्रोडक्शन और टीवी जो प्रोड्यूसर हाँ ये मैं बताऊं ये एक टर्म यूज करते हैं कहते हैं हम सारे जो टीवी के ड्रामा के प्रोड्यूसर्स हैं हम ठेकेदार हैं हम प्रोड्यूसर्स नहीं इसको भी जरा इनसे थोड़ा सा डायसेक्ट कराएंगे कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट है ठेकेदार तो होता है कि बस आए बनी बनाई चीज आगे निकालते जाओ सीजी 125 पे आएगा लाइटें लगा के सो नौमान द ठेकेदार से आपकी मुलाकात कराएंगे इस ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज नौमान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं अच्छा नौमान आपकी जो फिल्म पे काम करने जा रहे हो आजकल स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है और जो वेब सीरीज पे काम हो रहा है उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा पहले बताओ कि इस वक्त इंडस्ट्री माशाल्लाह बहुत ग्रो कर रही है एंड यू आर वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स क्यों आप कहते हो कि हम इस काम में मज़ा नहीं है ये ठेकेदारी है बस जैसे 20 घर आपने बनाने उसी तरह 20 ड्रामे आप कॉपी पेस्ट करते हैं व्हाई डू यू से दैट इसलिए कि हमें तो सारी डिक्टेशन चैनल से मिलती है एक से नहीं सब चैनल्स का एक ही हाल है हम प्रोड्यूसर्स जो हैं वहाँ पे जब जाते हैं तो हमें स्क्रिप्ट भी वही अप्रूव किया जाता है सब कुछ किया जाता है कास्ट भी वही करते हैं हमें हर चीज़ वो बताते हैं कि वो करना है तो हम लोग एक टाइम था कि मैं इनिशियली बड़ी फाइट किया करता था चीज़ों के लिए कि नहीं यार ये एक्टर इस कैरेक्टर के लिए ठीक नहीं है ये इसके लिए ठीक नहीं है फिर मैंने देखा फ़ायदा ही कोई नहीं है वो लगता है ऐसे वो करना वही है जो उन्होंने कहना है बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव टू पे अस हम उनको एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनको अगर ये पिंक कलर चाहिए और मैं उनको ग्रीन की खासियतें बता रहा हूँ कि पिंक बहुत हो गया है नाउ लेट्स गेट ऑन टू द ग्रीन वन और वो कह रहे नहीं हमें पिंक ही चाहिए मैं कह यार फिर पिंक हर दफ़ा जाकर मैं फिर पिंक पकड़ा देता दे आर हैप्पी दे आर स्टिल हैप्पी अच्छा ये जो एक आम तासर है सच से बताओ कि जी
वो चैनल्स वाले या जो एयरिंग या एडवर्टाइजर या मार्केटिंग कोई भी आप उसको नाम ले लें, वो बताते हैं कि हमें यूथ की कहानी नहीं चाहिए, हमें उसके माँ बाप की कहानी चाहिए, या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि सिर्फ सास बहू, इज इट ट्रू? ये बहुत अच्छा सवाल है तौसीक। मुझे मैंने एक दो दफ़ा स्क्रिप्ट लिखवाए, मेरे बड़ा दिल चाहता है कि मैं यूथ के लिए लिखवाऊँ, हमारे टीन एजर्स के बड़े इश्यूज़ हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अगली जनरेशन वो लेके, क्यों हम तरक्की नहीं करते? क्योंकि हम वही दिखा रहे हैं, अपने बाबे, अपनी आंटियाँ, अपनी पिसी हुई औरत, सारा कुछ दिखा रहे हैं। हम खुद ही नहीं चाहते कि लोग तरक्की करें। यूथ जो आपके टीन एजर्स हैं, 16, 17, 18, 19, ये वो टाइम होता है कि जिस वक्त वो डिसाइड कर रहे होते हैं उन्होंने आगे जाके क्या करना है। वो टीवी नहीं देखते, आप किसी अपने बैठ जो नहीं, वो अपनी वेब सीरीज के ऊपर, वो कहेंगे बाबा नेटफ्लिक्स के ऊपर, या वो मूवी आई 10 मिनट्स की है, वो प्लीज 10 मिनट्स की आप देख लें। तो वो चैनल ओनर पे ठीक कहता है ना, जब वो देखते ही नहीं तो फिर उनकी कहानी दिखाने की? मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे वो जो अच्छा जब उस तरफ आते हैं कि वो जो देखना चाह रहे हैं वो दें, फिर तो बहुत सारी गलत चीज़ें भी देखना चाहते हैं, फिर हम क्यों नहीं दिखाते उनको? उस वक्त क्यों हम मुसलमान बन जाते हैं और इस्लामी वो अपनी एक चादर पहन लेते हैं? फिर तो बहुत सारी चीज़ें देखना चाह रहे हैं लोग, मगर हम उनको सिर्फ सास बहू ही क्यों दिखा रहे हैं? क्यों बताना चाहते हैं कि बहू पिसती रहती है और सास बहुत जालिम? जबकि फ्रेंकली स्पीकिंग मैं हर तबके में मूव करता हूँ। एग्जैक्टली, सासें आजकल बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी सासें, बहुओं की बड़ी दोस्तियां अच्छी हैं। वो कौन सा तबका है? I totally agree with you. अगर कोई 2% अब तबका रह गया वैसा 3% के जहाँ पे अभी भी जुल्म हो रहा है, तो फिर तो वो कसूर का भी वाकया था, फिर तो बहुत सारे वाकये थे, फिर उस पर बनाए ड्रामे, वो भी तो दिखाएं, वो भी तो एक बड़ा एक हमारा जिंदगी का एक बहुत एक भयानक एक वो एक चैप्टर है। वैसे यूथ की कहानी, वैसे आपने बिल्कुल सही बात की है कि अगर हम गिनने लगे तो मैं अभी बात मैंने भी ये शुरू की और आपने बात की, तो मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि जनरली जब मैं सर्फिंग करता हूँ तो मुझे टीनएजर फेसेस ड्रामों के अंदर बहुत कम नजर आते हैं। वो दिखाएंगे कजन है, वो छोटा कजन है, 3 सीन के लिए आया, उसने कहा मम्मी वो बाजी आई है, वो चला गया, ये यूथ है। उसके पास कुछ करने को है ही नहीं। Right, so the point is कि इसलिए आप कहते हो कि प्रोड्यूसर एक ठेकेदार बन गया। हाँ, क्योंकि अगर हम फाइट करेंगे वो कहेंगे यार ये बड़े किलगिल डालता है ये आदमी, यार उसको बुलाओ दूसरे को। लेकिन आप ये बड़ी इस तरह की स्ट्रॉन्ग बातें कर रहे हैं, नाराज हो जाएंगे। कोई नाराज नहीं होता, दे ऑल नो इट। हम उनके सामने बैठ के लड़ रहे होते हैं कि यार बस कर दें। हम जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं खुदा के वास्ते अब ये चीज़ें ना दिखाएं। मैं उनसे पूछता हूँ प्लीज हमें बताएं वो मीटर आपने कहाँ लगा दिए, किस बाग में लगाए हुए हैं? हाँ, रेटिंग तो फिर ठीक है ना, जो रेटिंग आती है कि नहीं यही देखना है, यही बहू को जितनी फेंटी पड़ेगी तो रेटिंग आएगी। मैं उनसे पूछता हूँ प्लीज मुझे वो बहू तो दिखाएं आप जो है। वो नहीं मिलती ना बहू। अच्छा, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं क्योंकि हमने शो को एंड भी करना है, लेकिन आई रियली वांट टू नो फिल्म किस तरह की बना रहे हो, कब से स्क्रिप्ट के ऊपर बैठ के मतलब बैठ ही गए हो? नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, मैं ISPR के साथ बनाऊंगा। ओके, उसी पे ही वर्किंग हो रही है क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारी जब भी पाक आर्मी पे फिल्म आती है तो बहुत जज्बात से भरी हुई दिखाई जाती है, सब कुछ दिखाया जाता है, मगर मैं चाहता हूँ कि यार उसका लाइटर वर्जन भी एक है। अच्छा, ओके, यस। जो हमने सीरियल किए थे, सुनहरे दिन किया था, मेरा आहन था, ये अल्फा ब्रावो चार्ली में बड़ा अच्छा ट्रैक था पूरा, उसमें सीरियस वाले पोर्शन तो बाद में आए, पहले तो वो एकेडमी वाला पोर्शन था, ह्यूमरस पार्ट था, वो सारा किधर गया? हम दिखाते हैं इधर पहला फ्रेम खुलता है और वो जज्बात और सब ठीक है। आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ माई आर्मी, ठीक है। आई बिलीव हमारे पास अगर आर्मी ना हो तो हम किसी लेकिन किसी जोगे ही नहीं है, एक ही हम वो उसका वो हाँ, मगर आप फिल्म का मतलब ये होता है कि ह्यूमरस पार्ट भी है, ट्रेजेडी भी है, रोमांस भी है, उसमें इमोशंस भी हैं, सब कुछ तो होता नहीं है, इमोशंस दिखा देते हैं क्योंकि ये कौम जज्बाती है, वो समझते हैं कि यार थप्पड़ लगेगा तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, वाह 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 थप्पड़ लगा, प्यार भरी बात करो कोई भी नहीं इकट्ठा होता, वो कहते हैं फजूल बात, कौन प्यार करता है इस मुल्क के अंदर, जबकि हम बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। इस परसेप्शन को बहुत गलत दिखाया जाता है। तो इस एंगल के साथ एक आर्मी की जिंदगी पे, फौज की जिंदगी पे एक फिल्म बना रहे हो? हाँ, जिसमें फौज भी इन्वॉल्व है, आम इंसान भी इन्वॉल्व है, हाउ वी प्रोटेक्ट आवर कंट्री, हाउ वी 19-20 यार आई डोंट नो, मे बी अभी साल दो साल। हाँ, अभी मैं आराम से करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ क्योंकि मैं खुद भी प्ले कर चुका हूँ आर्मी का, आई हैव ग्रेट एसोसिएशन विद आर्मी, वो मुझसे भी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये जब बनाएगा ना Something might come up different. तो मैं उस चक्कर में ना कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरी भी इज्जत रह जाए और मैं उनके लिए भी ऐसा काम कर जाऊँ कि वो कहें हाँ यार इसने बड़ी अच्छी एफर्ट की थी। एक और एरिया जो आपके दिल के आजकल बहुत करीब है और बहुत से प्रोड्यूसर्स के दिल के करीब है, एंड दैट इज वेब सीरीज।
कि अब कहा यह जा रहा है कि आज से कुछ सालों के बाद टेलीविजन एज एन इंडस्ट्री का कंटेंट से ज्यादा वेब सीरीज का कंटेंट जो फॉलो किया जा रहा होगा और बहुत से ममालिक में तो ये ऐसा शुरू हो भी चुका है. हाउ डू यू सी दिस? इसके लिए क्या इसमें भी सास बहू तो नहीं आ जाएगी? नहीं, मेरी अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं दे डोंट वांट टू वॉच दैट, दे वांट यूथ. वही बात आ जाती है ना कि जो मेरी भी ख्वाहिश है, बहुत सारे हमारे दोस्तों की ख्वाहिश है कि यार हम अपने कहाँ गए हमारे टीनएजर्स के इश्यूज जो थे. तो वो उस तरह की कहानियाँ होंगी उसमें? उसमें वो कहानियाँ, उसमें वो चाहते हैं रियलिटी बेस्ड हों कि कहाँ हमारी यूथ गलत हो रही है, कहाँ सही हो रही है, उनको ठीक कैसे करना है, क्यों माँ बाप आजकल बहुत मसरूफ़ हो गए अपनी सोशल लाइफ में और बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं. जब बच्चे निगलेक्ट होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं? तो दे वॉन्ट टू शो रियलिटी. वो ये नहीं चाहते कि वो हॉल चढ़ाया हो कि हमने नहीं 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 बुरी चीज़ नहीं दिखानी, हमने गुडी गुड अच्छी अच्छी बातें. हम अपने उन साथियों को नाजरीन को बताते चलें कि जिनके लिए शायद वेब सीरीज़ एक नया कॉन्सेप्ट या नया लफ्ज़ होगा. तो नुमान और मैं जो इस वक्त बात कर रहे हैं वो साथियों उन आप समझे उन ड्रामों की कर रहे हैं कि जो किसी टी वी चैनल पर दिखाई नहीं जाते, वो बनते ही वो प्रोड्यूस ही सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो इंटरनेट पे पड़े हों और आप इंटरनेट पे जाके उनको और हमारे वेब सीरीज इसलिए उसको हमारे बच्चे बड़े शौक से देखते हैं. वो बहुत ज्यादा मैं शौक से देखता हूं. मैं जब उनके साथ बैठकर डिस्कस करता हूं वो कहते हैं बाबा फ्रैंकली स्पीकिंग वी डोंट वांट टू सी ट्रेजेडीज, वी वांट टू सी लाइट थिंग जिसमें मजा आए. और हमारी लैंग्वेज हो, आपकी जो लैंग्वेज होती है ना वो सिर्फ किताब वाली होती है जो आम घरों में इस्तेमाल नहीं होती. हमें वो चीज चाहिए जो हम रिलेट कर सकें उसके साथ. जैसे मैं अगर अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ हूँ तो वो जो गपशप होगी अब वही आप दिखाएं. वी ऑल वांट टू वॉच दैट. एग्जैक्टली. अच्छा नुमान, गोइंग बैक टू ओल्ड टाइम्स, बंधन ने भी एक बिल्कुल एक शिफ्ट दिया था. आई थिंक यू नो उसमें बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो तारिक मेराज साहब को बहुत जाता है कि उन्होंने आपका, नादिया खान का, फरा का, इकबाल का, उर्फी का बड़ा अच्छा पैकेज वो जो एक पैकेज बनाया था, वो सारे किरदार, वो रोमांस भी बड़ा डिफरेंट था. यार भाई आज भी वही रोमांस है, रोमांस चेंज नहीं हुआ है. मसला ये है कि हम रोमांस की तरफ जाते नहीं हमारे ड्रामे. बात फिर वही आ जाती है ना, तो ऐसे कि हम कोई भी बात करेंगे ना ड्रामे की, हमारे पास सवाए रोने धोने के और कुछ बचता ही नहीं है. कितने लोग हमें मिलते हैं कि यार वो जैसे वो पड़ोसी ड्रामा था, आपका बंधन था, रूसा था, तन्हाइयां था, अनकही था, कहाँ है वो जो हमारे होते हैं. मगर आप DHA क्लिफ्टन में फिरो वो ड्रामा ही नहीं देखते. ठीक. आप इंटीरियर में चले जाओ किसी भी शहर के, दे ऑल वॉच ड्रामा, क्योंकि उनको वही दिखाया जा रहा है, गुटका पान ये वो अबे तबे. तो यार आप क्यों उनको ये दिखाना चाह रहे हैं बार बार कि इससे ज्यादा आपने आगे प्रोग्रेस ही नहीं करनी, उसको विजन को वहीं ब्लॉक. व्हाट इज टेलीविजन? फैंटेसी. फैंटेसी बिल्कुल ठीक है ना. उसमें अगर हम रियलिटी पे, हमारी कुछ मूवीज बनी बाहर गई, उनको ऑस्कर भी मिला, कितने लोगों ने उसको बुरा भला कहा कि हमारा नेगेटिव साइड दिखाई जाती है. मगर वही काम जब आपको यहाँ पे दिखाया जाए आप खुशी खुशी देख रहे होते हैं. मुझे इन डबल स्टैंडर्ड्स की समझ नहीं आती ना. फिर तो सबको सपोर्ट करना चाहिए. ऑस्कर मिला हमारी खातून को, टू बढ़िया, ठीक हो गया. वही चीज़ जब हम सीरियल 26 किस्तें यहाँ पे दिखाते हैं, सारे बड़े खुशी खुशी देख, उसकी रेटिंग आ रही होती है. Very important. फिर आप क्यों रेटिंग लाते हैं ऐसे प्रोडक्ट की जो आपकी भयानक साइड आप लोगों को? इसका मतलब है ये रेटिंग का सारा सिलसिला भी आप जो आप बात कर रहे हैं कि ये भी कुछ गड़बड़ है. आज तक मुझे इतने साल हो गए प्रोडक्शन करते हुए, आई स्टार्टेड ऑफ इन 93 एज एन एक्टर, मुझे आज तक खुद समझ नहीं आई रेटिंग. मैं ले आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रोडक्ट की आ जाती है, क्योंकि लेकिन पता नहीं चलता कैसे आता. क्यों जो वो देखना चाह रहे हैं मैं वही दिखाता हूँ. तो असिक हमने कितनी दफ़ा ऐसे प्रोजेक्ट बनाए, हमने कहा यार ये सीरियल चलेगा ना, कितनी मेहनत की सेट्स के ऊपर और एक्टर्स और ये यार हमें चैनल बुला के जलील कर रहा होता है यार ये क्या ड्रामा दे दिया है. ऐसा ड्रामा जो हम बुरे दिल से करते हैं क्या, वही रेपिटेशन सीन्स में वही बकवास वो या ये वो हिट हो जाता. ये जो तीन दफा तो हम करके या फिर वही करना पड़ेगा आके, यार पता चलते तो उसकी रेटिंग टॉप ऑफ द चार्ट्स. लेकिन नुमान फिर इसका मतलब है ये एक सवालिया निशान है, इसका मतलब है शायद वो ठीक हैं जो देखना चाह रहे हैं और आप गलत हैं. वो उसको हमें तो यही लगता है सीरियसली. हम तो एक वो हो गए ना, हम ठेकेदार हो गए. किसी नहीं ठेकेदार के बस सिर्फ फर्क इतना है हमारे पास वो लाइटों वाला CG 1:5 नहीं है जिसमें हम जाके देखते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है और उनको पैसा चाहिए ये हम वापस आए. यार इतना सीखा है. Are you happy with your personal life? अपनी कहानी दोबारा लिखनी हो तो यही लिखना चाहोगे? I'm very happy. I'm very blessed. कोई एपिसोड जो चेंज करना चाहो अपनी? कुछ भी नहीं. आई एम सो ब्लेस्ड. मेरा ख्याल है मैंने बड़े ट्रेंड चेंज किए हैं, मेरी फैमिली ने बहुत सारे ट्रेंड चेंज किए,
मेरी बीवी और मेरी माँ में जितनी दोस्ती है, आधा मीडिया शुरू शुरू में बड़ा पाया, ऐसी दोस्ती कैसे हो सकती है? वही ना टांगा वाला पहन आया हुआ है कि यार इख्तलाफात ज़्यादा होते हैं। मेरे बच्चे जो हैं, मैं कहीं भी चला जाता हूँ, मेरे अपने जितने कलीग्स हैं वो कहते हैं यार तेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं कहता हूँ क्यों? हंसता हूँ मैं, क्या खास बात है यार? वो खुद आगे आगे होके मिलते हैं यार, वो इतने हम हमें कहीं मिल जाएं जिम में वो आते हैं या कहीं मॉल में मिल जाएं, हेलो अंकल हाउ आर यू, कहते हैं मैं बड़ा अच्छा लगता है यार। तो मैं कहता हूँ देखो मेरी कोई तारीफ करता है ना ये क्रेडिट मेरे माँ बाप को जाता है, मेरे बच्चों की कोई तारीफ करता है ना वो हम सबको जाता है, उसमें अम्मी को भी बीवी को भी बहन को भी हमें मुझे भी सबको जाता है। तो होता क्या है कि ट्रेनिंग हम ही ने देनी है। लोग कहते हैं शादी के शुरू के दिन बड़े अच्छे होते हैं, मैं कहता हूँ सबसे ख़तरनाक दिन शुरू के होते हैं, टूथपेस्ट से लेके कमोड से लेके नलका खोलने से, नलके गर्म ठंडा खुला छोड़ देना बंद कर देना, तौलिया गिराने से, जूते कहाँ छोड़ दिए, यही तो सारी अलाइनमेंट होती है शुरू के दिनों में कि आप एक फ्रीक्वेंसी पे आके रुकते हैं कि हाँ दिस इज़ द पैटर्न, नाउ वी गोना कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन ये आपने अलाइनमेंट एक दफ़ा ख़राब होते भी देखी जिंदगी? मैंने दो दफ़ा ख़राब होते तीसरी दफ़ा जाके ठीक हुई है। So, आप क्या मुड़ के देखते हो तो उन दो दफा जो दो शादियां आपकी नहीं चली उसमें आप क्या मुड़ के देखते हो तो अपना कसूर भी नजर आता है? मुझे ऑब्वियसली मेरा भी होगा ना, मैं क्यों कहूँ कि मेरा कसूर नहीं है? उस वक्त मैं बता तो रहा हूँ कि जब एक बंदा फटाफट बड़ा हो जाता है और वो जो उसने 8 सालों में डिस्टेंस कवर करना था वो उसने 1 साल में या 6 महीने में या 3 महीने में किया, तो ऑब्वियसली आई हैव स्किप्ड सो मेनी स्किल्स। वैसे नोमी ये जो थर्ड आपके पास चांस आपको मिला इसमें दिल में ऐसी टेंशन तो आती होगी अगर ये ना चली तो दुनिया कहेगी ये नौमी दे नहीं नहीं अब तो मुझे कहते हैं खबरदार होन तेरे नाल नहीं ऐसी होवांगे। एग्जैक्टली खुदा की कसम क्योंकि उसकी सबसे दोस्ती है, यू बेटर मेक इट वर्क सीरियसली, उसकी इतनी दोस्ती है एंड शी इज अ वंडरफुल पर्सन और शी इज सो सपोर्टिव एंड मेरा ख्याल है कि अगर मैं खुश हूं उसको क्रेडिट जाता है, अगर वो खुश है तो मुझे क्रेडिट जाता है। और अब नौमान फखर से कह सकते हैं ओए देखो मैं इतना पैड़ा बंदा भी नहीं हूं। नहीं नहीं अब तो मैं कभी-कभी एकदम सोते में उठता हूं और मैं उसको देखता हूं, मैं कहता हूं यार मेरी शादी को कितने साल हो गए, वो कहती 15 साल। तो 15 साल हो गए, 3-4 साल से ज्यादा की मुझे आदत नहीं है। नौमान बहुत मजा आया आपसे गप लगा के, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट वाज वंडरफुल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। नौमान मसूद के साथ आज हमने कैंडिड फ्रॉम द हार्ट गपशप की। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जिंदगी ने दी इजाजत, तो फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।